वेलकम टू डिस्कॉर्ड टर्म फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद आज आपके लिए लेके आया हूँ एमएस एक्सेल की क्लास 3। सो इसमें हम देखने वाले हैं शीट के अंदर अगर आप राइट क्लिक करोगे ये सब चीज़ें राइट, ये कैसे यूज करेंगे हमारे डेली रूटीन लाइफ में, वो सब हम वन बाय वन देखने वाले हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। सो दिस इज द एक्सेल बेसिकली। अब एक्सेल ओपन कैसे करते हैं, एग्जैक्टली इसका यूज़ क्या है, ये सब सीरीज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर मेरे दोस्त कोई नए हैं इस चैनल में, सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दिस ट्यूटोरियल 1 एंड ट्यूटोरियल 2। उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी है, बस ये हम ट्यूटोरियल 3 में कवर करने वाले हैं ये सब चीज़ें। सो यहाँ पर मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है। सो दोस्तों ये कैसे होता है, ये मेरी शीट है, जस्ट एक मैं सैम्पल डेटा उठा रखा है कहीं से। यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करोगे इंसर्ट पे राइट, सो ये कुछ आपको टैब नजर आएगा राइट। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक लेना है एंड देन ओके पे क्लिक, ठीक है। इससे क्या होगा, वन बाय वन आप शीट ऐड करते रहोगे इस पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर। दोस्तों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट, ठीक है। वर्कबुक क्या होता है, पर्टिकुलर आपकी जो ओपन है राइट, एक्सेल जो ओपन है दैट्स योर वर्कबुक, और ये सब चीजें आपकी वर्कशीट होती है, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने वापस। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वन मोर थिंग, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो, एज एन बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं राइट, सो यहाँ पे आप क्लिक करोगे राइट, सो सेल्फ लर्निंग है यहाँ पे, फॉर्मूला ट्यूटोरियल। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे सो ये कुछ इस तरह से आपको स्प्रेडशीट मिल जाएगी एक्सेल की तरफ से, जहाँ पे आप खुद से प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हो एक्सेल राइट। ये सब चीज़ें हैं राइट, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी कवर करूँ आपके लिए, ठीक है, सो मैं नेक्स्ट सीरीज में कवर कर दूंगा, मुझे कुछ भी इशू नहीं है। खाली मुझे आपसे यही यू नो कमेंट चाहिए कि आप अगर आपको रिक्वायर्ड है ये सब चीज़ों की राइट, एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अब मैं वापस आ रहा हूँ मेरे अल्ट टैब प्रेस करके वही शीट के अंदर, ठीक है। सिंपल ये हुआ न्यू इंसर्ट। इंसर्ट दोस्तों आप यहाँ से जाके नो अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो कर रहे हो सेम वे में आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है राइट। राइट क्लिक किया मैंने देन डिलीट। मुझे अगर ये शीट नहीं चाहिए राइट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक डिलीट पे प्रेस कर सकता हूँ, सिंपल। एंड देन अगर आप देखोगे यहाँ पे रिनेम करना है मुझे, सो ये मुझे कुछ रिनेम करना है फ्रूट्स, ठीक है। मैं फ्रूट्स डाल देता हूँ यहाँ पे, तो मैं रिनेम कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके कर सकते हो, या फिर आप डबल क्लिक कर दोगे यहाँ पे तो भी आप कर सकते हो जोकर, सिंपल। देन राइट क्लिक दे रहा हूँ मैं मूव और कॉपी, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर शीट है मेरे पास, मुझे इसकी कॉपी चाहिए, क्लोन चाहिए करेक्ट। सो वो कॉपी एंड क्लोन पर्टिकुलर शीट का हम कैसे लेंगे, अगर आप यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करोगे तो वो आपको पर्टिकुलर डेटा के लिए देता है राइट। अगर मुझे पर्टिकुलर वर्कशीट के लिए चाहिए तो वो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे मूव और कॉपी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट कॉपी कर रहा हूँ, और कहाँ पे चाहिए मुझे मूव टू एंड, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पूरा जितना था यहाँ पे फॉर्मेटिंग जितना भी रहेगा राइट, सेम नेक्स्ट शीट में एड ऑन हो जाएगा विथ नेमिंग कन्वेंशन, यहाँ पे अगर देखोगे तो सिंपल। सो फार सो गुड, इंसर्ट हुआ, डिलीट हुआ, रिनेम करा हमने, मूव और कॉपी। और दोस्तों यहाँ से आप मूव भी कर सकते हो, अगर आपको कहीं पे कहीं और मूव करना है ये शीट को, तो आप मूव भी कर सकते हो। सपोज मेरे पास कुछ वर्कबुक 1 है राइट, मुझे इसके एंड में ये शीट लानी है, तो मैं मूव टू एंड करूँगा। क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया राइट, मूव टू एंड, यहाँ पे कहाँ पे करना है आपको, कहाँ पे मूव करना है, यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। वहाँ पे कहाँ पे लोकेशन, लोकेशन क्या रहेगा, आप कहीं पे प्रेस करके भी कर सकते हो, बट मुझे चाहिए एंड में, तो मैं मूव टू एंड करूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैं ये ऑप्शन क्लिक नहीं कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, ये कॉपी क्रिएट करेगा, मुझे कॉपी नहीं क्रिएट करनी है, मुझे डायरेक्टली ये फाइल जो है फ्रूट्स टू यहाँ पे आ जानी चाहिए, ओके पे क्लिक करूँगा। अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये कुछ मेरी फाइल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था,
ठीक है, इसके एंड में ये फाइल आ जाएगी। ठीक है, अल्ट टैब अगेन मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये फाइल हट गई है। सो दिस इज द स्लाइट डिफरेंस इन इट। बहुत ही यूजफुल फंक्शन है दोस्तों ये हमें डिलीट बटन फाइल में यूज करना चाहिए। वीव कोड, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे कुछ आपको विजुअल बेसिस का पैनल ओपन हो जाएगा मैक्रोस का, जहाँ पे आप यू नो ऑटोमेशन के जरिए चीज़ें फास्टली कर सकते हो, उसके लिए होता है वो मैक्रोस। ठीक है, तो उसकी क्लास मैं सेपरेट से लूँगा। ठीक है, फिलहाल मैं एक्सेल बेसिक से क्लियर कवर कर रहा हूँ, सो इसलिए आई वुड रिकमेंड इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए, बट उसका खाली बेसिक यूज़ क्या है यहाँ पे आप जाके डायरेक्टली कोड चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो डायरेक्टली एक्सेल पे विजिट हो जाएगा। राइट क्लिक अगेन एंड देन यहाँ पे आप देखोगे प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, तो सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं कंट्रोल के अगर प्रेस करूँ तो मैं ये कुछ यहाँ पे हाइपरलिंक देख सकता हूँ, राइट, इंसर्ट हाइपरलिंक विच इज कॉल्ड हाइपरलिंक देने के लिए। ठीक है, मैं अगर दे दूँ इसको हाइपरलिंक किसी चीज़ की, करेक्ट मैं देता हूँ, चलो इस चीज़ की देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो मैं अगर कंट्रोल प्रेस करके करूँगा तो ये कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं फाइल सेव करके मेरे किसी क्लाइंट को दे दूँ, राइट, तो वो ना पर्टिकुलर जो हाइपरलिंक ऑप्शन है वो एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम। ठीक है, देयर इज अ ट्रिक, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इंसर्ट हाइपरलिंक रहेगा, यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, मैं पासवर्ड दे देता हूँ RAT। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों आपको क्या पासवर्ड देना है। ठीक है, मैं सिंपल से वो दे रहा हूँ एंड देन अगेन वो मुझे पूछ रहा है कंफर्म करो मुझे पासवर्ड, ठीक है भाई हम कर देते हैं RAT। ठीक है, अब उसे सपोज यहाँ पे इंसर्ट करना है, यू नो कंट्रोल के में वापस प्रेस कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, या फिर सेम चीज़ में इंसर्ट में यहाँ पे कहीं पे देखूँ तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे सब फ्रीज हो चुकी है, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं इसके अंदर, ये वर्कशीट के अंदर। क्यों ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसे पासवर्ड दे रखा है। ठीक है, सो अगर मैं राइट क्लिक करूँ अगेन एंड देन इसे अनप्रोटेक्ट शीट करूँ सो ये मुझे पासवर्ड मांगेगा। अगर आप किसी क्लाइंट को या फिर किसी को डेटा दे रहे हो तो उन्हें ये पासवर्ड आपको पहले देना होगा। ठीक है, RAT। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब फ्रीज है, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, वंस आई प्रेस ऑन दी ओके बटन इट्स ऑटोमेटिकली गेट ना एक्टिवेटेड। ठीक है, सब एक्टिव हो जाएंगे एंड देन अगर मैं जो कंट्रोल के प्रेस करके जो कर रहा था ये भी डायलॉग बॉक्स मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वन बाय वन ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो नहीं लंबी करना चाहता हूँ, क्योंकि लंबी जितनी वीडियो होगी उतने आप बोर हो जाओगे और मेरे ऑडियंस को मैं बोर नहीं करना चाहता। राइट क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे टैप कलर्स। ठीक है, टैप कलर्स क्या होता है दोस्तों, ये बड़ा यूजफुल फंक्शन है, मोस्ट ऑफ द MNCs में एक्चुअली ये यूज होता है। सो कैसे होता है ना, हमारे पास डेटा एक शीट में नहीं होता है, करेक्ट, तो अगर हमारे पास डेटा कुछ पर्टिकुलर शीट्स में है, राइट, मैं इंसर्ट करते जा रहा हूँ फाइल्स को, सपोज़ यहाँ पे कुछ डेटा है एंड देन मुझे वो पर्टिकुलर शीट को यू नो आइडेंटिफाई करना है किसी कलर कोड के हिसाब से, तो मैं इसे एक कलर कोड दे दूंगा कि हाँ भाई अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये कुछ कलर कोड इस ये कलर कोड शीट में पर्टिकुलर डेटा मेंटेन कर रखा है, सिंपल। सो वो कलर कोड हम यहाँ से दे देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें यहां से आप कर सकते हो, बड़ा एक्सेल यू नो एक्सेल बहुत ही इजी है दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपको खाली वो चीजें एक बार आप समझ जाओगे तो आप प्रैक्टिस जैसे करोगे हर एक चीज को आप समझ जाओगे धीरे धीरे। अब मैं इस शीट को हाइड करना चाहता हूं। ठीक है, कैसे होता है ना, MNCs में अगर आप देखोगे मोस्टली या फिर आप किसी स्कूल या कॉलेज का भी डेटा अगर कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको एक पर्टिकुलर चार्ट रहता है, राइट। अब ये चार्ट का डेटा कहाँ से पुल कर रहा है आपको पता नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे एक मैं आपको डेमो दे देता हूँ। ठीक है, ये मैं सपोज एक यू नो चार्ट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, एंड देन इसे मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करके यहाँ पे ले लिया, राइट। अब मुझे क्या है ना,
मैं डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझे वो पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर ले जाएगा। बट क्या होता है, मुझे ऐसा चाहिए कि ये सब जो चार्ट मैंने जो पुल कर रखा है राइट, ये चार्ट का डेटा किसी को एक्सेस ना हो राइट। एक तो आप उसे पासवर्ड दे सकते हो या फिर उसे हाइड कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड टू हाइड दैट पर्टिकुलर शीट। अभी कहाँ से पुल कर रहा है किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये बेसिकली हम क्यों करते हैं, ताकि हमने जो काम कर रखा है पर्टिकुलर शीट के अंदर, वर्क फाइल के अंदर, वो किसी को एक्सेस ना हो, और उससे मॉडिफिकेशन अगर कहीं कुछ हो तो डेटा हमारा गलत प्रिडिक्ट ना हो। इसलिए सिंपल, वापस अनहाइड कर देता हूँ इसे, राइट क्लिक प्रेस करके अनहाइड, विच इज द शीट, दिस इज द शीट, ओके पे क्लिक करा मैंने, ये शीट मेरा वापस अनहाइड हो गया। ठीक है, सिलेक्ट ऑल शीट, सब शीट को आप एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक इंसर्ट, डिलीट, देन रिनेमिंग, मूव, कॉपी, देन व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, हाइड, अनहाइड एंड सिलेक्ट ऑल शीट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।